देखिए, हर माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए इतना मत कर दीजिए आप लोग कि वो बच्चा निकम्मा हो जाए, वो बच्चा कुछ ना करे। क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करके जाएंगे, अरे उनके आने वाली पुश्तें बैठ के खाएंगे। ये वही संतानें होती हैं जो बाद में जाकर माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती हैं, माँ बाप को बिल्कुल अपने से दूर कर देती हैं। तो माँ बाप कम से कम इतना ना करें कि अपने बच्चों को ये बोल दें कि हाँ हम तुम्हारे लिए पूरा मतलब ये सारी व्यवस्था कर देंगे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। ये बहुत गलत हो जाता है, बच्चे कुछ नहीं करते फिर तो। जिन बच्चों के माँ बाप जो उन्हें गरीबी में पाल रहे हैं ना, वही बच्चे आखिर में जाकर अब जो गरीबी जो है उसको समझ जाते हैं और अपने माँ बाप को उस गरीबी से बाहर निकाल लेते हैं। अब पहले ही उनको जो है चकाचौंध में रख रहे हो, हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो, हर जिद पूरी कर रहे हो बच्चों की, ऐसे नहीं चलने वाला, वो बच्चा नाकामयाब हो जाएगा, गलत करने लग जाएगा। यही संतानें बाद में जाकर माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती हैं। तो कभी ये मत करना आप लोग कि किसी भी बच्चे के लिए या अपने संतान के आगे, अपने बच्चे के आगे ये बोलो कि हाँ हमारी आने वाली पुश्तें खाएंगे, हम तो इतना कर देंगे इतना कर देंगे। वही बच्चे निठल्ले हो जाते हैं, वही बच्चे कुछ नहीं करते फिर तो। आर्यवासम है तो थोड़ा सा पेरेंट्स भी समझें इन चीज़ों को और अपने बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें ना रखें, वरना वही बच्चे गलत करने लग जाते हैं, सुनते नहीं हैं कुछ भी। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा माँ बाप के साथ हो रहा है। और उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि भाई माँ बाप ने दिया है, चलो कर दिया, इतना बहुत अच्छा है, पर आप ये मत करो कि उसको खाना पीना शुरू कर दो, वहीं उसी को उड़ाना शुरू कर दो, ये नहीं करना है आपको। आप उससे अलग हटके वो साइड में रख दो, उसको साइड में रख दो, वो मुसीबत पड़ने पर आपको काम आ जाएगी, पर आप उसी पर आश्रित मत हो जाओ, उसी पर डिपेंड मत हो जाओ। अरे भाई हम इंसान हैं, इंसान जन्म मिला है कुछ अच्छा करने के लिए। आपको अगर 10% पर छोड़ा गया है तो आप 10 से 11 से स्टार्टिंग करो, आगे बात समझ में, पर हाँ उस 10 को ख़त्म मत कर दो, अब वहाँ से स्टार्टिंग करो और सीधा 100 तक पहुँचो, मेहनत करते हुए जाओ, अपने दम पर आगे बढ़ो। माँ बाप ने जितना किया है बहुत किया है, अच्छा किया है, रहने दो उसे, पर अपने दम पर भी तो आगे बढ़ो। क्या बोलोगे अपने बच्चों से कि हमारे माँ बाप ने दिया था हमको ये पूरी संपत्ति माँ बाप ने दी थी, वो वैल्यू भूल जाएगा हर चीज़ की। देखा होगा जिसके जेब में बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, जिसके पास 10,000 है जेब में, 500 भी गिर जा रहे हैं तो उसको उतना खलेगा नहीं, लेकिन जिसके जेब में 500 रुपये ही हैं, अगर 100 रुपये गिर गए तो वो बहुत उसको अजीब लगने लग जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये ना कहें कि हम तो उनके लिए सब कुछ कर देंगे। बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। आर्यवासन में